Hello, good evening everyone. Welcome to our channel Stock Technique. Thank you so much for your support. हमने बहुत ही जल्द 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू. सो हमारे हर एक वीडियो की तरह आज का हमारा वीडियो है पीटीसी इंडिया पे. तो इट्स फ्राइडे 21st of December, वीकली क्लोजिंग है. इससे बेटर मौका नहीं होगा चार्ट रीड करने का. तो आइए देखते हैं पीटीसी इंडिया का चार्ट क्या कहता है हमसे. सो ये है पीटीसी इंडिया का चार्ट. पीटीसी इंडिया के चार्ट का एनालिसिस करने के लिए हम investing.com का यूज़ कर रहे हैं. एंड ये चार्ट डेली बेसिस पे है. सो जो ब्रेकआउट की हम पीटीसी इंडिया में बात कर रहे थे वो लेवल था 84 जो लेवल है बहुत ही क्रूशल और टफ रेजिस्टेंस था पीटीसी इंडिया के लिए. करीबन देखा जाए तो जून से अभी तक 84 वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो ब्रेक नहीं हो पा रहा था. एंड उसी दौरान RSI भी बहुत कम था. सो अच्छे खासे 6 से 7 महीने के कंसोलिडेशन पीरियड के बाद एक ब्रेकआउट मिला है विद RSI 60 के ऊपर. 60 प्लस RSI क्लोज हुआ है. सो इसके पीटीसी इंडिया में जो हमारा पहला टारगेट होगा दैट विल बी 98 का टारगेट होगा. और इसमें निवेश करने के लिए आपको एंट्री रेंज रखनी होगी ब्रेकआउट लेवल 84 से लेके करंट प्राइस जो 87 आज जो क्लोज हुआ है उसके बीच में. इट इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय. एंड इसका स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 80 रुपीज़ का. उसके बाद अगर इसका आगे का टारगेट देखना चाहें हम तो वो होगा 108. टोटल ये टारगेट अचीव करने में जो टाइम लगेगा विल बी नियरली 2 मंथ्स. सो 2 महीने का आपको पोजीशन बनाए रखनी होगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक. फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब. अगर इस पीटीसी में 2 मंथ्स के पीरियड में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हम उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे. तो उसके लिए आपको अपडेट आप मिस ना करें, आपको सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ आप अपने कॉमेंट्स से हमें बता सकते हैं कि अगर आपको कोई स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो हम उस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. टिल देन कीप मेक मनी, कीप रॉकिंग. थैंक यू सो मच.